नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए दुनिया भर की सबसे आकर्षक और दिल दहला देने वाली कहानियां लाते हैं। आज हम कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में बात करेंगे, जो न केवल भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, बल्कि देश के भूतिया स्थानों में से एक है। आइए राष्ट्रीय पुस्तकालय की वास्तविक डरावनी कहानी जानते हैं। आखिर ये लाइब्रेरी इतना डरावना कैसे बना? इसके पीछे की राज क्या है? क्या हुआ था पुस्तकालय में? असली सच क्या है? आज के वीडियो में हम सभी सवालों को लेकर बात करने वाले हैं। मैं एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में भारत के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकाफ की पत्नी लेडी मेटकाफ के भूत का साया है। लेडी मेटकाफ एक पुस्तक प्रेमी थी और अपने जीवन काल में अक्सर पुस्तकालय आती थी। हालांकि 1846 में उनकी मृत्यु के बाद उनके भूत को पुस्तकालय में कई बार देखा गया है। लेडी मेटकाफ का भूत पुस्तकालय के दुर्लभ पुस्तक खंड को परेशान करने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह एक ऐसी किताब की तलाश में है जो उन्हें अपने जीवन काल में नहीं मिली। कर्मचारियों और आगंतुकों ने टेम्परेचर में अचानक गिरावट, असामान्य शोर और यहाँ पर अचानक से किताबें गिर जाना, देखे जाने की भावना महसूस करने की सूचना दी है। लेडी मेटकाफ के भूत के अलावा पुस्तकालय में और भी डरावनी घटनाओं की सूचना मिली है। 2010 में एक सुरक्षा गार्ड ने पुस्तकालय के वाचनालय में एक भूतिया आकृति को देखने की सूचना दी। ये घटना इतनी बदनाम हुई कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसकी सूचना दी गई और असामान्य जांचकर्ताओं का ध्यान भी खींचा गया। ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय एक पुराने कब्रिस्तान की जगह पर बनाया गया था, जो भूतिया घटनाओं का एक कारण हो सकता है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। डरावनी घटनाओं के बावजूद राष्ट्रीय पुस्तकालय दुनिया भर के पुस्तक प्रेमियों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करना जारी रखता है। ये ज्ञान का खजाना है और कोलकाता की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसलिए यदि आप कभी कोलकाता जाते हैं और राष्ट्रीय पुस्तकालय का पता लगाने का निर्णय लेते हैं, तो एक अत्यंत द्रुतशीतन अनुभव के लिए तैयार रहें, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को हिट करना न भूलें और ऐसी ही और आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।